नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम लोग का सदरी टी यूट्यूब चैनल में आपको स्वागतम करते हैं। तो आज का वीडियो में हम लोग आप लोग का बीच में जो वीडियो लेके आया है वही आप लोग ऊपर में देखा है, इसक मुंडा ईटिंग इंटरव्यू का एक्सप्लेन। तो हम बताना चाहते हैं ये जो इसक मुंडा ईटिंग यूट्यूब चैनल का कुछ वो इंटरव्यू हम देखा था और उसका जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला बात है किस लिए ये इसक मुंडा ईटिंग यूट्यूब चैनल को एक्सप्लेन करना है, उसका इंटरव्यू को किस लिए एक्सप्लेन करना है, इसको तो ये कौन है। तो हम बताना चाहते हैं ये जो इसाक मुंडा यूट्यूब चैनल, ये जो ईटिंग यूट्यूब चैनल जो है वो बहुत ही कम समय में वो बहुत सफलता एक यूट्यूब चैनल है और उसका ओनर जो इसाक मुंडा है वो बहुत ही कम समय में बहुत सफलता यूट्यूब में हुआ है, इसलिए वो उसका बारे में हम आज बताने जा रहा है। और उसका जो इंटरव्यू हुआ था वो इंटरव्यू में उसने कुछ कुछ सवाल जवाब जो हुआ था उसको देखने के लिए, उसको सुनने के लिए, और वो जो बोला था उसमें बहुत सारा मोटिवेट है, ठीक है, तो बहुत मोटिवेट मिलता है। तो इसलिए ही हम आप लोग का बीच में वो जो इंटरव्यू का सवाल और जवाब को हम आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो शुरू से अंत तक आप लोग ये वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि आप लोग को भी वो इसक मुंडा ईटिंग जो यूट्यूब चैनल का बारे में मालूम हो और उसका जो बोलने वाला उसमें से आप भी मोटिवेट हो, तो हम एक भी छूट ना जाए ना उसका जो सवाल जवाब, इसलिए हम कुछ लिख के लाया है इसे ना, ठीक है। तो हम उसको बताना चाहते हैं कि ये जो इसक मुंडा को जब एक यूट्यूबर ने पूछा था और पूछने का समय में ये सवाल जवाब हुआ था, तो सबसे पहले एक नंबर में वो पूछा था इसक मुंडा जी को कि आप कहाँ से हो, ठीक है, आप कहाँ से हो। तो उसने जवाब दिया था उड़ीसा, उड़ीसा का हूँ और डिस्ट्रिक्ट संबलपुर, संबलपुर जो मेन टाउन है उसमें से 17-18 किलोमीटर दूर में मेरा बस्ती है। तो दो नंबर में वो पूछा था यूट्यूब में वीडियो दिया, यूट्यूब में वीडियो देने का आइडिया आपको कैसे मिला है, हाँ किसने दिया है वो आइडिया। तो उसने उसने बताया है कि जे पहले पहले तो हम पता नहीं था कि यूट्यूब से कुछ अर्निंग कर सकता है, यूट्यूब में वीडियो डाल के कुछ अर्निंग कर सकता है, ऐसा हमको पहले पता नहीं था बोला है। तो जब पता हुआ है तो मेरा पास में एक जियो फोन था, वो जियो फोन में वो एक ठो यूट्यूब चैनल ये यूट्यूब वीडियो देख रहा था, तो उसमें वो बच्चा लोग देख रहा था बोला है। और वो बच्चा लोग देखने के बाद में उसमें भी जाके देखा है कि उसमें बताया जा रहा है कि यूट्यूब से भी कुछ अर्निंग हो सकता है, ठीक है। तो उसको वो बहुत ध्यान से देखा है, देखने के बाद में वो क्या किया है हम भी कुछ ना कुछ एक टू करेगा बोल के वो दिल में सोचा है। सोचने के बाद में उस टाइम में वो उसके पास में जियो फोन था, वो जियो फोन को बिक्री करके बोला है दूसरा एक टू स्मार्ट मोबाइल जो खरीदा है, स्मार्टफोन खरीदा है और उसको बाद में वो जो वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। तो तीन नंबर में उसको पूछा गया था कि यूट्यूब में फर्स्ट वीडियो कब डाला था, यूट्यूब में फर्स्ट वीडियो कब ला था। तो वो जवाब दिया है 25 मार्च 2020 को वो फर्स्ट यूट्यूब में वीडियो डाला था। तो उसके बाद चार नंबर में उसको पूछा गया था कि फर्स्ट वीडियो कौन सा वायरल हुआ था, तो उसका जो आपका फर्स्ट वीडियो कौन सा वायरल हुआ था। तो उसने बताया है कि फर्स्ट वीडियो जो वायरल होने वाला मेरा था वो है कि उड़ीसा में जो फेमस है, उड़ीसा में जो फेमस है वो है बासी पखा बोल के, और वो जो बासी पखा जो एक ठो खाना होता है और वो खाना को वो अकेला खाया था, ठीक है। वो लगभग अभी 1 पॉइंट कुछ मिलियन ना उसका व्यू है, वो जो फर्स्ट वायरल हुआ था। उसका बाद में पूछा गया था आप एडिटिंग मोबाइल से करते हो, तो बोला हाँ हम मोबाइल से ही एडिटिंग करते हैं वीडियो सबको ना। और उसका बाद में पूछा गया था कि वीडियो में कौन सा ऐप आप यूज करते हो, जब ये वीडियो को जब एडिटिंग करता है तो उसका कौन सा ऐप या तो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो उसने जवाब दिया है कि वीडियो बनाने के लिए, वीडियो एडिट करने के लिए हम काइन मास्टर यूज करता है और जो थंबनेल बनाने के लिए, जो फोटो बनाने के लिए हम पिक्सेल लैब को यूज करता है। उसका बाद में पूछा गया था कि एडिटिंग कहाँ से आप सीखा है, जो काइन मास्टर का एडिटिंग होता है उसको वो कहाँ से सीखा है बोल के उसको पूछा गया था। तो उसने बताया है कि जो वीडियो एडिटिंग है वो एडिटिंग को हम यूट्यूब से ही सीखा है, दूसरा किसी ने हमको नहीं सिखाया है, हम बाहर से नहीं सीखा है, तो हम सब कुछ ये यूट्यूब से ही सीखा है बोल के उसने बताया था। तो उसने नेक्स्ट सवाल पूछा था कि आप गांव में रहते हो तो गांव आपकी क्या, गांव वाले क्या बोलते हैं,
ठीक है। तो गांव में रहने वाला जब वीडियो बनाता है, ऐसा ब्लॉग बनाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसमें जवाब दिया है कि गांव का आदमी शुरू में तो बहुत हंसता था, बोला है गांव का आदमी जब हम वीडियो कर रहा था शुरू शुरू में बहुत हंसता था, अरे ये क्या कर रहा है, कुछ अच्छा काम धंधा करो, क्योंकि वो बहुत गरीब परिवार का है, ठीक है, तो काम धंधा करो, और ये सब वीडियो वीडियो बना क्या कर रहा है, बोल के बहुत हंसता था, बोला है, ठीक है। उसके बाद में फिर से और जो क्वेश्चन किया था, जो सवाल किया था, आप कोई भी यूट्यूबर को फॉलो करते हो, आप कोई यूट्यूबर को फॉलो करते हो या तो किसी का वीडियो को आप देखते हैं, तो बताया है कि झारखंड धनवाद का, झारखंड का धनवाद ना, वो जगह का एक यूट्यूबर है जो फेमस यूट्यूबर है, उसका मनोज डे, उसको वो फॉलो करता है और उसका वीडियो भी वो देखता है। नेक्स्ट जो सवाल था, आपने कितना पढ़ा लिखा है, ठीक है, आपने कितना पढ़ा लिखा है, वो इसाक मुंडा ब्रदर को उसने पूछा गया था कि आपने कितना पढ़ा लिखा है, तो ये बहुत बड़ा बात है। उसने जवाब दिया है, हम सिर्फ क्लास 7 पढ़ा है, सिर्फ क्लास 7 पढ़ा है, ठीक है। तो उसको पूछा, आप क्लास 7 पढ़ के यूट्यूब एडसेन कैसे करते हैं, क्लास 7 पढ़ के ये यूट्यूब का काम और एडसेन वगैरह ये सब आप कैसे कर लेते हैं ये जो? तो बोला है, सब कुछ हम यूट्यूब से देखा है और सब हम खुद ही कर सकता है, ठीक है। तो उसने पूछा है जे सब कुछ कर सकते हैं, ये सब आप सब कुछ कर सकते हैं, हाँ हम ये सब कुछ कर सकते हैं। तो उसका बाद में नेक्स्ट पूछा है कि यूट्यूबर से पहले आप किया था, यूट्यूबर से आप क्या करता था, आप क्या था, बोल के ऐसा पूछा है। तो वो बोला है कि ऐसा कुंडा बोला है कि हम एक मजदूर है और हम कुछ काम करते हैं और काम करके हम कुछ ऐसा मजदूर करके करते थे, लेकिन जब लॉकडाउन शुरुआत हो गया तो लॉकडाउन में हम सोचा है कि अभी तो लॉकडाउन में काम शाम नहीं है तो क्या करेगा, बोल के सोचते समय में ये जो यूट्यूब का बारे में हमको नॉलेज मिला है और हम यूट्यूब तब से स्टार्ट कर दिया है। तो उसको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका पेमेंट आया है कि नहीं, ठीक है, आपका पेमेंट आया है कि नहीं। तो उसने बोला है कि मेरा पेमेंट अभी तक नहीं आया है, क्योंकि मेरा जो पिन वेरीफाई अभी हुआ है, जो गूगल एडसेंस का जो पिन होता है वो वेरीफाई अभी हुआ है, तो पेमेंट जल्दी ही आने वाला है, तो अभी तक हमको पेमेंट नहीं मिला है। उसका बाद में जो उसको पूछा गया था उसका पर्सनली क्वेश्चन, वो था कि आप जो भाभी जी से शादी किया है वो जो आपका लव मैरिज है या तो अरेंज मैरिज है, उसका पर्सनली सवाल था। तो उसने बताया है कि ये जो शादी जो हम लोग का लव भी बोल सकता है या तो अरेंज भी बोल सकता है, पहले हम लोग थोड़ा पसंद था, उसका बाद में हम लोग अच्छा से अरेंज करके ही शादी हुआ है, तो इसलिए लाभ भी बोल सकता है अरेंज भी बोल सकता है। तो उसका बाद में आप उसने एक सवाल पूछा था कि आपका डुप्लीकेट चैनल खोला है कोई ने, किसी ने आपका जो इसाक मुंडा ईटिंग बोल के आपका जो डुप्लीकेट चैनल खुला है बोल के हम सुना है, तो आप उसको क्या बोलते हैं? तो उसने बोला है, हाँ खोल के रखा है, डुप्लीकेट चैनल खुला है और डुप्लीकेट चैनल खोल के उसका ही वीडियो को डाउनलोड करके फिर अपलोड कर रहा है, ऐसा उसने बताया है। ये तो बहुत ही दुख का बात है, क्योंकि एक यूट्यूब में वीडियो बनाने के लिए कितना सोचना पड़ता है और कितना सोच के सोच विचार करके वो वीडियो को बनाना पड़ता है, ठीक है। तो उसने जो उसका जो वीडियो है वो वायरल हुआ है, उसका जो चैनल है वो जो वायरल हुआ है, तो क्या किया है कोई दूसरा आदमी लोग ऐसा किया है कि उसका डुप्लीकेट एक ही नाम में एक ही मैं जो वीडियो उसको डाउनलोड करके फिर वो चैनल में अपलोड कर रहा है। लेकिन ये डिफरेंस है कि उसमें जो सब्सक्राइबर का जो है उसको वो जो डुप्लीकेट में हाइड करके रखा है, उसमें उसका सब्सक्राइबर नहीं दिखाता है, वो है उसका डुप्लीकेट चैनल और वो दूसरा किसी ने चलाता है। तो उसने अनुरोध किया है कि ऐसा नहीं करना है, अच्छा से अच्छा कॉन्टेंट बनाना है, खुद का कॉन्टेंट होना है, खुद से बनाना है, खुद से मेहनत करना है, ठीक है। तो उसका बाद में उसको पूछा गया था कि अगर कोई YouTube आना चाहते हैं तो आप क्या सलाह सुझाव देते हैं? तो उसने बोला है कि हाँ वो YouTube में आ सकता है, उसने बोला है कि हाँ YouTube में आ सकता है, लेकिन वो जो किस प्रकार का वीडियो बनाना है बोलने से वो अपना पसंद से बनाना है, जो वो सकता है, जो कर सकता है और जो दुनिया को दिखा सकता है, उसका टैलेंट क्या है, वो सबको
बना के वीडियो कर सकता है। तो उसके बाद में उसको सवाल पूछा गया था कि अच्छा यूट्यूबर होने के लिए क्या करना चाहिए, अच्छा यूट्यूबर होने के लिए क्या करना है। तो उसने जो जवाब दिया है, जो आप सकते हो वही करना चाहिए, ठीक है। जो वो उसने बोला है जो आप कर सकते हो, जैसा कि कोई ब्लॉग कर सकता है बोला है, कोई टेक्निकल कर सकता है, कोई तो किसी को डांस दिखा सकता है, कोई गाना गा के दिखा सकता है, ऐसा कुकिंग ये सब को भी वो बताया है, ठीक है। तो वो जो सकता है उसको ही करना है बोल के बताया है। उसमें क्या करना है, कभी शर्माना नहीं है, कभी डरना नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ है ना, ये जो बहुत ही मोटिवेट का बात है हम लोग का यूट्यूब जो चलाता है यूट्यूबर के लिए, या तो यूट्यूब नहीं चलाने वाला लोग के लिए भी बहुत ही एक तो अच्छा बात है, मोटिवेट बात है कि नहीं शर्माना है और नहीं डरना है, ठीक है। तो यही था आज का ईशक मुंडा ईटिंग यूट्यूब चैनल का जो इंटरव्यू का एक्सप्लेन वीडियो। आप सबको तो ये वीडियो कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो एक तो लाइक कर दे, कुछ सलाह या तो कुछ ये होने से आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हैं। आज का वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, सबको फिर से नमस्कार।